करना है और डायरेक्ट सर्विस प्लस टू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे सर्विस प्लस टू पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो सर्विस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और आने के बाद यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का लॉगिन का बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सर्विस प्लस का जो आईडी है वो आपको आईडी पासवर्ड यहाँ डालना है और यहाँ पे जो आपको कैप्चा शो हो रहा है ये कैप्चा आपको एज इट इज यहाँ पे फिल करना है, उसका लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने अभी तक सर्विस प्लस का आईडी नहीं बनाया तो आप यहाँ पे रजिस्टर हियर पर क्लिक करने के बाद आप अपना एक सर्विस प्लस का आईडी जनरेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास पहले से है तो मैं यहाँ इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया, उसका लॉगिन मैंने किया तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो है हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अपने आईडी को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर सर्विसेज पे आएंगे और उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स इसे क्लिक करने के बाद आपका जो है झारखंड से रिलेटेड जितना भी हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं हम सर्विस प्लस के आईडी से वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें पेंशन के लिए फॉर्म फिल करना है, वो भी विकलांग पेंशन के लिए। तो आप यहाँ पे 27 नंबर पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। झारखंड पेंशन पे आपको क्लिक करने के बाद आपका जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का होगा। और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ऑप्शन में दिख जाएगा कि आवेदन के लिए, मतलब आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हो। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन यानी विकलांग पेंशन को। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है उसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेंट का जो है आप मेंस का भर रहे हो वुमेन का भर रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से उनके जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का जो फुल नेम है वो आप यहाँ पर पूरा टाइप करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे आपको कोई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप नहीं करना, डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी एससी एससी ओबीसी ये सब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो उनके उनके जो है 1 जनवरी उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्ट एज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। और होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे में एक मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उस एप्लीकेंट का। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आएंगे तो आवेदक का निम्न प्रकार में आपको निवास प्रकार में अगर वो परमानेंट है या टेम्पररी है वहाँ से आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर टेम्पररी है तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट है तो परमानेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवेदक का एक फ़ोटो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे चूज फाइल करके मैं इसे एप्लीकेंट का जो है फ़ोटो यहाँ पे डाल देता हूँ। और डालने के बाद आपको नीचे में बीपीएल डिटेल को फिल करना होगा। अगर आपके पास बीपीएल डिटेल है तो आप इसे फिल भी कर सकते हैं, आप इसे या नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए उसे मैं छोड़ देता हूँ। और रिलीजन डिटेल में यहाँ पे एक रिलीजन का जो है डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे उनके सन का डाल देता हूँ। और आने के बाद यहाँ पे सोल्यूशन में श्री सट्टा सेलेक्ट करूंगा और उसके जो है सन का जो फुल नेम है वो यहाँ पर मैं पूरा टाइप कर दूंगा। टाइप करने के बाद आप यहाँ पर डिसेबिलिटी डिटेल में आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपको इससे रिलेटेड सारे डिटेल आपको दिख जाएंगे। जैसे विकलांगता का प्रकार में आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार से वो विकलांग है, जैसे कि मेंटली डिसेबल है या फिर और कुछ। अगर इसमें आपको ऑप्शन सुटेबल नहीं दिख रहा तो आप अदर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर किस लेवल पर है विकलांगता का स्तर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और कितने परसेंटेज में है वो आप यहाँ परसेंटेज में यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो चलिए ये सब डिटेल आपको आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको उस पर्सन का प्रेजेंट एड्रेस फिल करने होंगे। उसके बाद यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब डिवीज़न को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उस पर्सन का पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फुल फिल कर देना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो फिल करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो टाइप ऑफ एरिया में आपको सेलेक्ट करना होंगे कि अगर आप रूलर में रहते या म्यूनसिपली में रहते या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते हैं। तो ये पर्सन जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते हैं तो वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद आपको नगर निगम का जो एरिया है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वार्ड संख्या का जो है वो अपने एरिया का वार्ड संख्या यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनके मोहल्ला का जो है फुल एड्रेस आप यहाँ पे मतलब कि किस मोहल्ला का क्या नाम है वो
आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे टाइप कर लेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद अगर आपने जो ऊपर में प्रेजेंट एड्रेस को फिल किया, वो प्रेजेंट एड्रेस एज इट इज़ परमानेंट एड्रेस भी है, तो आप यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, या फिर अगर नहीं है तो आप यहाँ नीचे पे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर टाइप कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेम है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को भी परमानेंट एड्रेस कर देता हूँ। तो चलिए उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैंक डिटेल या फिर अपना पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है अगर आपके पास है तो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का सारे डिटेल को यहाँ पे डालूंगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले उस पर्सन का आपको यहाँ पर बैंक का जो खाता संख्या है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बैंक में पैसा चाहिए या पोस्ट ऑफिस में, वो आप यहाँ से टाइप करेंगे। जैसे मैंने बैंक का डिटेल दिया तो वहाँ पे मैंने बैंक लिखा है। उसके बाद बैंक का जो शाखा है वहाँ का आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद शाखा का जो संख्या है यानी ब्रांच कोड, वो ब्रांच कोड आपको पासबुक में ही देखने को मिल जाएगा, वो वहाँ से आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे कहाँ से आपका जो है किस एरिया में आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैप्चा है, वो कैप्चा आपको एज इट इज आपको यहाँ पे फिल करना है, और सारे डिटेल को एक बार थोड़े से चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पे जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो एक प्रीव्यू पेज है, वो प्रीव्यू पेज आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो आप इस डिटेल को अच्छे से चेक कर लेंगे, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो आप यहाँ पर जो नीचे आपको दिख जाएगा एडिट का ऑप्शन, यहाँ पर ये एडिट करके आप इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सारा सही है तो अटैच एनोक्सी पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे अटैच एनोक्सी पे क्लिक करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल सर्टिफिकेट, इसमें आपको कुछ भी देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मेरे पास है इनके, तो यहाँ पे मैं इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जो मैंने बैंक का डिटेल दिया है, वो बैंक का जो पासबुक है, वो पासबुक का फ्रंट पेज मैं यहाँ पर इसे अपलोड कर देता हूँ। उसके लिए चूज फाइल जा करके मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कास्ट सर्टिफिकेट, आधार और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएंगे। इसे आप अपलोड भी कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो कंपलसरी है वही मैं अपलोड करूँगा। तो डिजेबिलिटी प्रूफ में आएंगा, यहाँ पे अपने जो हॉस्पिटल से आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आप यहाँ से अपलोड करेंगे, यानी विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। तो चलिए अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं आधार कार्ड को ही यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एज प्रूफ में आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी अपना एज प्रूफ के लिए दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मैंने दिया, और यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा। तो सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन सेव एनोक्सी पे है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए सेव एनोक्सी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके लिए आपको कुछ देर वेट करने पड़ेंगे। तो कुछ देर वेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपका एक प्रीव्यू पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको फिर से सारे डिटेल देखने को मिल जाएंगे, और एनोक्सी लिस्ट भी आपको सारे ब्लू कलर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरा सारा चीज सही है, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ देर फिर से सर्च लेगा, उसके बाद आपका जो है ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा।